देखने में गैस बहुत छोटी बीमारी है, और गैस जब परेशान करता है तो इतना भयंकर परेशान करता है, कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। आयुर्वेद में लिखा है कफा पंगु पित्तम पंगु पंगो मल धातव वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। शरीर में वात पित्त कफ तीन जो मुख्य धातु होते हैं, उनमें से कफ जो है और पित्त को धक्का दे करके ले जाने वाला कोई चीज अगर है तो वह वायु, जो कहते गैस, वो धक्का दे के ले जा करके कफ को और पित्त को जिधर ले जाए और प्रॉब्लम पैदा कर देता है। इसलिए गैस को कोई छोटा रोग न समझिए और गैस को लापरवाही मत कीजिए, अन्यथा गैस के अधिक बढ़ जाने के कारण अल्सर का रोग, बीपी हाई, हार्ट अटैक, लकवा कुछ भी हो सकता है। जिन भाइयों को, जिन बहनों को गैस की प्रॉब्लम ज्यादा है, वो पहले घरेलू इलाज करिए। आप ये निश्चय कर लीजिए कि बिना दवाई के ठीक होना है, तब केवल आप निश्चय ये करो कि मैंने हमेशा हल्का गुनगुना पानी पीना है। लेकिन पानी को गर्म ज्यादा करने के बाद फिर ठंडा पानी मिला के मत पीजिए, वो तो जहर के समान है। या तो हल्का ही गर्म कीजिए, या अच्छी बात तो यह है कि अच्छी तरीके से उबालने के बाद ठंडा होने में रख लीजिए, और जब पीने लायक गर्म हो जाए तो थर्मस में डालकर रख दीजिए, वो पानी पीते रहिए। तो केवल पानी के पीने से ही आपको गैस से छुटकारा मिल सकता है, और भोजन करने के तुरंत बाद पानी ना पीजिए, अपच हो जाएगा, उससे भी गैस बनता है। चाय बहुत पीते हैं अगर, वो तो बहुत चाय पीने को भी बंद करिए, या कोई देसी चाय पीजिए। और दूसरी घरेलू दवा के रूप में काली मिर्च, जीरा, नमक और नींबू, नींबू को काट करके, काली मिर्च को पीस करके और जीरा को हल्का सा भून करके पीस ले तो टेस्ट बन जाएगा, वो उसमें डाल करके, सेंधा नमक हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नमक है उसके ऊपर डाल दीजिए और एकदम से भर सा जाएगा ऊपर तक, हल्का दबा करके चिमटे से गर्म करके जब चमड़ी नीचे जलने लगे उतार दीजिए, और इस प्रकार से दिन में दो बार से तीन बार तक उसको चूसिए, गैस से आपको बहुत ही आराम मिल जाएगा। और कुछ नहीं तो आप लस्सी का सेवन करिए, सवेरे खाली पेट एक गिलास लस्सी लेकर के, उसमें काली मिर्च पीसी हुई चुटकी भर और सेंधा नमक डाल करके पीजिए, उससे भी बहुत गैस में आपको आराम मिलेगा। और जब दोपहर को भोजन करते हैं तो भोजन करने के पश्चात पानी मत पीजिए, भोजन करने के आधा घंटा बाद लस्सी पीजिए। लस्सी में थोड़ा सा काला नमक और सेंधा नमक डाल करके लस्सी पीजिए, भोजन जल्दी डाइजेस्टिव हो जाएगा, गैस भी नहीं बनेगा। भोजन करने के बाद में सौंफ खाने का नियम है, सौंफ को कोई साधारण चीज मत समझना, सौंफ गैस में इतना अधिक काम करता है, अगर हल्का फुल्का गैस है तो भोजन के बाद में गैस न बने, आप खा लीजिए सौंफ, उससे भी आराम मिलेगा। बहुत ज्यादा गैस अगर बन रहा है तो दो चम्मच सौंफ को आप उबालिए एक गिलास पानी में, और जब उबलते उबलते लगभग चौथाई पानी रह जाए तो उतार करके छान करके उसे पीजिए। बेहतर इच्छा के अनुसार में देसी खाड़ मीठा गुड़ कुछ डाल सकते हो, चीनी ना डाले ज्यादा अच्छा है, चीनी जो है बहुत गैस बनाता है। अथवा भोजन के बाद या नाश्ता के बाद, दिन में जितने जब जब भोजन करते हैं, जब नाश्ता करते हैं उसके बाद में आप आधा चम्मच अजवाइन फांक करके पानी पी लीजिए, इसी से आपका गैस जो है बनना बंद हो जाएगा। भोजन जैसे रोज करते हैं, कभी कोई सब्जी बनाते हैं, कभी कोई सब्जी बनाते हैं, उसमें निश्चय कर लीजिए कि हमने चटनी हमेशा खाना है, अदरक है, लहसुन है, उसमें पुदीना है, इसी की चटनी कम से कम चम्मच दो चम्मच
डेली खाइए, उससे भी आपको गैस नहीं बनेगा। अधिक तली हुई चीजें न सेवन करिए, उससे गैस बहुत ज्यादा बनता है। हमारे इन घरेलू नुस्खे से आप स्वयं लाभ उठाइए, अनुभव कीजिए, और जब फायदा हो जाए आपको तो आप इस नुस्खे को अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को बताइए। और ये सब लेने के बावजूद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो देखना पड़ेगा इसका कारण क्या है, उस हिसाब से इसका निवारण करना पड़ेगा। तो आप हमसे गुरु आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।